खरगोन जिला मुख्यालय के मोतीपुरा क्षेत्र के निवासी ने बीते दिनों वही के निवासी रामपिता सुखलाल पर महिलाओं और युवतियों ने अश्लील हरकतें करना, शराब गांजा पीकर हाथ में चाकू लेकर नग्न अवस्था में घूमने जैसे गंभीर आरोप लगाकर पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज कराया था, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि बीते दिनों मोतीपुरा निवासी लोकेंद्र के साथ राम की मारपीट हुई थी, जिसके साक्षी रूप सिंह जो कि वार्ड क्रमांक 20 के पार्षद भी है, वही आरोपी राम ने घटना को झूठा बताकर पार्षद रूप सिंह के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज करवा दिया। इसी को लेकर मोतीपुरा निवासी आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पार्षद रूप सिंह का नाम हटाकर आरोपी राम के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु ज्ञापन सौंपा। यही नहीं, इसमें आरोपी राम के भाई और भाभी भी रूप सिंह के साथ ही नजर आए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। राम पिता सुखलाल महान हमारे मकान के सामने रहता है, वो घर के सामने बाथरूम करता है और लेडीजों के साथ गंदी गंदी हरकतें करता है, आने जाने वाले लड़कियों को भी गाली बकवास करता है। पहले भी आवेदन दे चुके हैं हम, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको बंद कर देते फिर छोड़ देते, फिर आके फिर वही कि वही धांधल करने लगता है। फिर सर मार के भग गया था, मेरा सिर में मार के भग गया था। फिर उसको लोगों ने पीटा पंचायती में, फिर उन्होंने रिपोर्ट डाली तो उसको छोड़ दिया, हमारी झूठी फर्जी रिपोर्ट लिख दी। तो मतलब जो आरोपी है उसको छोड़ देती है पुलिस और तुमको पकड़ लेती है? पकड़ती नहीं, हमारे पे कार्रवाई कर देती है, मतलब नाजायज हमको दौड़वा रहा है बार बार। सर कौन दौड़ा रहा है? राम पिता सुखलाल। कहाँ रहता है ये? हमारे मकान के ठीक सामने रहता है। कहाँ का मामला है? मोतीपुरा वार्ड नंबर।